प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें वाकई में बिल्कुल अलग हैं। पीएम मोदी एयरफोर्स के फेमस सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचे। ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए उस पर ही एक लड़ाकू विमान से लैंडिंग की हो। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर रनवे है, यानी कि जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इससे पहले भी लड़ाकू विमान उतारे जा चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं और ऐसा होने के साथ ही तीन एक्सप्रेसवे पर तीन एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी से लखनऊ के गाजीपुर जाने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने का काम 5 साल पहले शुरू किया गया था। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा है ट्रैवलिंग टाइम काफी कम होना। अब ये डायरेक्ट दिल्ली से गाजीपुर का सफर तीन एक्सप्रेसवे के जरिए बेहद तेजी से पूरा करेगा। तकरीबन 900 किलोमीटर का ये ट्रैवलिंग सिर्फ 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली से गाजीपुर के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले नोएडा से मथुरा होते हुए आगरा तक जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे, जो सीधा कनेक्ट होता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचने वाला ये एक्सप्रेसवे अब लखनऊ में सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। अयोध्या आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर पहुंचने वाला ये 341 का रास्ता दिल्ली से पूरे यूपी का सफर करता हुआ आखिर तक सिर्फ 10 घंटे में आपको गाजीपुर पहुंचा देगा। इसके साथ ही अब से लखनऊ से गाजीपुर के बीच आने वाले शहर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आसानी से जुड़ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ और अब से इस पर सफर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है। 341 किलोमीटर की इस यात्रा में अभी ना तो आपको रास्ते में कोई पेट्रोल पंप मिलेगा और ना ही टॉयलेट। गाड़ी खराब होने पर मोटर गैराज भी अवेलेबल नहीं है। रेस्टोरेंट अभी बने नहीं है तो खाना पीना भी आपको रास्ते में मिल नहीं पाएगा। यूपी सरकार का कहना है कि ये सारे इंतजाम जल्द ही हो जाएंगे और पूरे एक्सप्रेसवे पर 8 जगह पर पेट्रोल पंप और 4 जगह सीएनजी स्टेशन भी खुल जाएंगे। बाकी सारी सुविधाएं भी एक्सप्रेसवे पर धीरे धीरे मिलने लगेंगी।